गर्मी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मजबूर हैं और नतीजा ये कि स्कूल में ही बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तस्वीरें शेखपुरा जिले की हैं। गरीब परिवार के बच्चे तपती धूप में पढ़ाई के लिए स्कूल गए थे, लेकिन भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। बेहोश बच्चों को किसी ने हाथ से पंखा हिलाकर राहत देने की कोशिश की तो किसी ने पानी से शरीर पोछा, लेकिन तब भी हालत नहीं सुधरी तो परिवार वाले अस्पताल लेकर भागे। शेखपुरा में 50 से ज्यादा बच्चों के बेहोश होने की बात सामने आई है। तरक्की का दावा करने वाले बिहार की एक सच्चाई ये भी है कि स्कूल से अस्पताल ले जाने के लिए किसी को एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी। गुस्साए लोगों ने शिक्षा विभाग के कर्ता धर्ता के पाठक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन बिहार सरकार ने स्कूलों में अभी तक छुट्टी घोषित नहीं की है। भूखे पे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और बेहोश हो जा रहे हैं। सिर्फ शेखपुरा ही नहीं, बेगूसराय का हाल भी ऐसा ही है। यहाँ भी बड़ी संख्या में बच्चे बेहोश होकर गिर गए। किसी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो किसी को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। हर किसी का गुस्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर है। लोग उनके फैसले को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। और सरकार के तुगलकी फरमान पर हम लोग विवश हैं। इतना भीषण गर्मी में बच्ची बेहोश होकर के गिर रही है। मौसम चुनावी है तो बच्चों की बेहोशी का मुद्दा सियासत के मंच से भी उछला। तेजस्वी यादव ने कहा कि अफसरशाही इतनी निरंकुश है कि मुख्यमंत्री तक की नहीं सुनी जाती। जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। 47 डिग्री है, लू है, जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने हालात पर ध्यान देने की अपील की तो JDU भड़क गई। साफ कहा, सरकार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं देखिए, तेजस्वी यादव जी सर्टिफिकेट दें ये तो चलता नहीं है। गर्मी जो है वो ओवरऑल पूरे देश में ही बहुत अति पड़ रहा है। सियासत अपनी जगह, लेकिन बच्चों के बेहोश होने का दर्द हर किसी को है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने के पाठक पर सवाल उठाए हैं। यहाँ शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसमें संवेदना हो, कोई रोबोट बैठा हो। ये शिक्षा विभाग संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पर है। गर्मी से सिर्फ बच्चे ही बेहाल नहीं हैं, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी भी परेशान हैं। नालंदा में जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो भीषण गर्मी के चलते गश खाकर गिर गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी पुलिसकर्मी तपती धूप में फ्लैग मार्च कर रहे थे, क्योंकि 1 जून को नालंदा समेत कई सीटों पर चुनाव होना है।